कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है और उसके बाजू में घंटी यानी बेल के निशान को भी प्रेस करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वनस्पति है, जो जड़ी बूटी है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। बहुत बेहतरीन, बहुत ही चमत्कारी औषधि है, आप इसे देख लीजिए और पहचान लीजिए अच्छी तरह से। आप लोग कुछ लोग तो देखे भी होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन दोस्तों औषधि गुणों के बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों आज इसी के औषधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही चमत्कारी और दिव्य औषधि है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इसको पहचान कर लीजिए ताकि आपको इसे ढूंढने में और इसका प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों चलिए, और दोस्तों ये पौधा आपके घर के आसपास ही मिल जाएगा, जहाँ पे नमी वाली स्थान होता है ना, तो ये अपने आप उगने वाला पौधा है। जहाँ पे जैसे हैंडपम्प का हो या पानी अगर बहता है तो उस जगह पर नमी वाले स्थान पर यह अपने आप उग जाता है, देख लीजिए। और आपने देखा भी होगा, घर के आसपास ही पड़ा होगा ये पौधा। अगर मिल जाता है तो दोस्तों इसका बहुत ही औषधि प्रयोग है, बहुत ही चमत्कारी औषधि है। दोस्तों यह पौधा दिव्य औषधि, इसका नाम है अकरकरा। जी हाँ दोस्तों, अकरकरा के नाम से जाने जाते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे अकरकरा के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे हिंदी में इसे अकरकरा के नाम से ही जानते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसके फूल हैं जो पीले पीले बहुत ही सुंदर होते हैं, और देखिए इसका पत्ती देख लीजिए, बहुत ही ग्रीन सा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा होता है और शीतल होता है। दोस्तों इसका प्रयोग औषधि रूप में किया जाता है, जैसे सर दर्द की समस्या हो या फिर दांत दर्द हो, दांत में किसी प्रकार का दिक्कत हो या दांत से मुंह से बदबू आता हो या पैरिया का शिकायत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो दांत से लेकर के, उसके लिए रामबाण का काम करता है, बहुत ही दिव्य औषधि है। फिर दोस्तों हिचकी के लिए तो यह जादू का काम करता है, या फिर दोस्तों नपुंसकता को दूर करने के लिए लगता है, या फिर यौन स्तंभ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह पौधा बहुत सारे मूत्र संबंधी विकारों को दूर करता है, या फिर वात पित्त कफ को सामान्य रखता है। जी हाँ दोस्तों, विकारों को सम्मिलित रखता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेद में बताया गया है और इसका प्रयोग भी हो रहा है। तो दोस्तों अकरकरा का नाम हिंदी में है। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों इसको विस्तार से हम जान लेते हैं। दोस्तों यह दांतों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी प्रकार का दांत में प्रॉब्लम हो तो दोस्तों उसको सफाई के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, खास करके दांत के लिए। अगर आयुर्वेद के नज़र से देखें अकरकरा में उत्तेजन गुण होते हैं। दोस्तों अकरकरा को जो काम उत्तेजक होते हैं ना, उसमें यह प्रधानता दिया गया है अकरकरा को। दोस्तों सामान्य गुण धर्म वाले और भी औषधि को मिला करके, अकरकरा को भी मिला करके इसका यौन वर्धक चूर्ण बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। अगर किसी को कफ होता है, खांसी सर्दी होता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। अगर इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद कड़वा होता है, और यह वात पित्त को कम करने वाला, कफ को कम करने वाला, पाचक तथा पेट दर्द को सही करने वाला, और यह दोस्तों यह ज्वर नाशक भी होता है। इसका जो फूल होते हैं ना वो कड़वा होते हैं, लेकिन अपने शरीर में जो गर्मी होता है ना उसको शांत करने वाला यह बहुत अच्छा औषधि माना गया, शीतल प्रवृत्ति का होता है। तो इसका वनस्पति का नाम है एना साइकिलस पैथरम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों हिंदी में जैसे मैंने बताया अकरकरा के नाम से जाता है, और भी भाषाएँ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत में इसे अकार करह, उर्दू में अकर करह, और इसे कन्नड़ में कलल अकारी, गुजराती में जैसे बोलते हैं अकर करो। दोस्तों इसको तमिल में अकर कराक्रम के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे बता सकूं और सब भी व्यूअर को।
दोस्तों इस वीडियो को पूरी तरह से जान लेते हैं औषधि गुणों के बारे में और कौन कौन से बीमारी में कितना मात्रा में और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना। एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और इसके बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों हम विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं आकर करा के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे सरदर्द की समस्या। जी हाँ दोस्तों, तनाव की वजह से या फिर आप किसी भी वजह से सरदर्द की समस्या बनी रहती है तो उन व्यक्ति के लिए इसका क्या करें दोस्तों, इसका जड़ या फिर इसके फूल को ले आएँ और इसको पीस करके पेस्ट बना लें और हल्का सा गर्म करके ललाट पे लगाएं, माथे पे लगाएं। दोस्तों यकीन मानिए 5 से मिनट में आपका जो सरदर्द की समस्या है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों सरदर्द के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इसके फूल ले लें, 4-5 फूल ले लें और इसका जड़ ले लें, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मुँह में लेकर के उसको अच्छी तरह से भून लें पहले और उसको चबाएं। दोस्तों आपके जो मुंह में बदबू आता है ना, चाहे पैरिया की वजह से या दांत सड़ने की वजह से या किसी भी वजह से, दोस्तों वो ख़त्म कर देता है आपको। इसी तरह सुबह सुबह खाली पेट 6-7 दिन तक कंटिन्यू चबाना होगा। तो दोस्तों यकीन मानिए यह पैरिया के लिए बहुत बढ़िया है। या फिर दोस्तों सर्दी खांसी की समस्या हो, सर्दी खांसी आजकल हो जाता है मौसम के चेंज वजह होने से वजह से, या फिर बहुत सारे ऐसे वजह होते हैं जिससे सर्दी खांसी आम बीमारी है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसके फूल को लें और 4-5 फूल ले लें और धुल करके मुंह में लेकर के चबाएं। दोस्तों उसके साथ साथ आपकी सर्दी खांसी को भी सही करेगा, दांत में दर्द है तो उसको भी सही करेगा। दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छा है, आप बस सिर्फ का फूल का सेवन करना होगा। दोस्तों अगर दांत दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें, 10 ग्राम अकरकरा का फूल ले लें या फिर इसका जड़ ले लें और उसमें क्या करें 5 ग्राम कपूर मिला लें और इसके बाद उसमें क्या करें 1 ग्राम सेंधा नमक ले लें। तीनों को आपस में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें या फिर इसका चूर्ण बनाकर रख लें। आप इसका मंजन करें, सुबह सुबह करें, आप वो उंगली से लें और उसको उंगली से दांतों पे मसाज करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके दांत मजबूत हो जाएगा। दांत में लेकर कोई भी समस्या हो, मुँह से बदबू आता हो या फिर दांत सड़ने की समस्या हो या फिर मसूड़े से खून आने की समस्या हो, सारे दांतों से लेकर कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए अकरकरा बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और दोस्तों एक और उपाय है, अगर दांत में कीड़े हो गए, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करें, अकरकरा के जो मूल होते हैं ना उसका काढ़ा बना करके कुल्ला करें। दोस्तों यकीन मानिए उससे भी आपके कीड़े अगर दांत में है तो वो भी निकल आएंगे और दांत दर्द हो रहे हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक विधि कर सकते हैं आप। दोस्तों दांतों के लिए तो है ही, साथ साथ दोस्तों अगर सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रहा है या फिर रुक रुक के दर्द होता है या किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही आसान सा प्रयोग है आप कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, अकरकरा को पत्ते को ले लें और उसको हाथ से मसल करके और उसको सूंघें। जी हाँ दोस्तों, सूंघने मात्र से आपकी सांसों से लेकर कोई भी समस्या है उसको यह सही करता है, बहुत ही बेहतरीन औषधि है। सो इसका एक और प्रयोग है, आप क्या करें, इसको जो देख रहे हैं अकरकरा, इसको जड़ के साथ उखाड़ लें और इसको सुखा करके पाउडर बना लें और इसके बाद एक कपड़े में बांध लें और उसको आप बार बार सूंघते रहें। दोस्तों वो सूंघने मात्र से आपकी जो सांस संबंधी समस्या है उसको यह सही कर देता है। बहुत ही दिव्य और अच्छी औषधि माना गया है सांस संबंधी रोगों के लिए। तो यह सूखी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है इसके लिए, यही आप जो देख रहे हैं अकरकरा, इसको ले लें और इसको सुखा कर, चाहे तो पुजर के साथ सुखा करके रख लें और पाउडर बना के रख लें, या फिर ताज़े ताज़े मिल रहा है तो ये भी सही है, तो आप इसको ले आएँ और इसका काढ़ा बना करके सेवन करें। दोस्तों यकीन मानिए सूखी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जैसे कि कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, महिला हो पुरुष हो दोनों के लिए कमजोरी तो सबको हो जाता है। तो दोस्तों पुरुषों को जो कमजोरी होता है ना, जैसे नपुंसकता हो जाता है, धातु रोग की समस्या हो जाता है, उनके लिए यह बहुत बेहतरीन औषधि है। इसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, ये इसको अकरकरा का जो देख रहे हैं ना, इसको जड़ के साथ उखाड़ लीजिए और इसका काढ़ा बना करके दिन में 2 बार इसका सेवन करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके शरीर में कोई भी कमजोरी हो उसको दूर करता है, आपके शरीर में जैसे नपुंसकता की बीमारी है उसको दूर करता है। इसका एक और प्रयोग है, बहुत ही गुप्त प्रयोग है, आप कर सकते हैं। आप क्या करें, इसके पंचांग को उखाड़ करके, पूरे पेड़ को उखाड़ करके पीस करके अपने जनन अंग पे आप इसको लेप लगाएं
दोस्तों लगा करके आधा घंटा तक छोड़ दें, फिर नॉर्मल पानी से धुल लें। इस तरह से आप दिन में एक बार करें। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो नस है कमजोरी है उसको यह सही करता है। आपकी नस जो कमज़ोर हो गया है उसको यह स्ट्रॉन्ग बनाता है। लगाने के तरीका होता है दोस्तों, ऊपर वाला जो भाग होते हैं ना उस पर ना लगाएं, बस पीछे वाले भाग पे लगाएं और लगा करके एक घंटा रखें और इसको धुल लें। दोस्तों इस तरह से आप करते हैं ना, एक महीना तक कंटिन्यू करिए। दोस्तों आपकी जो भी अंदर की प्रॉब्लम होगा, किसी भी बड़े प्रकार की समस्या होगा, शारीरिक कमजोरी या अनहोनी, आप समझ ही रहेंगे जी कहने का मतलब क्या है, तो उसको यह दूर करता है। दोस्तों अकरकरा बहुत बेहतरीन औषधि है। यह दोस्तों अर्थसाटिका को भी सही करता है, अर्थराइट है उसको भी यह सही करता है, खुजली की समस्या है उसको दूर करता है, अल्सर की समस्या है उसको भी यह दूर करती है, मिर्गी में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, जैसे हकलाने की समस्या होता है, हकला हकला के बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा औषधि है। इसके साथ साथ दोस्तों स्पर्म अकाउंट को बढ़ाने के लिए भी बहुत बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद में अकरकरा के। तो दोस्तों अगर वीडियो को सारे बीमारी को बताने लगे तो दोस्तों ये कम से कम एक घंटा डेढ़ घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं लेते हुए ऐसे ही 10 मिनट का जो हो गया वीडियो, तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें।